स्वागत है आपका एन के कार ऑटो टैक में। और आज हम आपको बताएंगे फ्रेंड, एक न्यू वाली क्रेटा है, उसका एसी कट मार रहा है। क्यों कट मार रहा है ये देखिए, अभी तो 8.3 आ गया है, एसी सही चल रहा है, चलते चलते कट मार जाता है। कट मारने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे आपका एसी कंप्रेसर कट मारना, कूलिंग कॉइल का सेंसर हो तो भी कट मारता है, कंडेंसर गंदा हो तो भी कट मारता है अपना। और आज हम आपको इसमें रीजन दिखाएंगे, इसमें लगा होता है एक एम्बिएंट सेंसर, ये बाहर वाला, आप ये इसमें देख रहे हैं ना, ये ब्लिंक कर रहा है, और ये क्यों ब्लिंक कर रहा है, और ये FATC मॉड्यूल में भी आप चेक कर सकते हैं। ऑफ वाला बटन दबाना है आपको, और ये 2-3 बार इसको प्रेस करना है। अब इसमें ये कोड जनरेट कर देगा, ये 13 नंबर कोड आ रहा है, तो आप 13 नंबर कोड नेट पे डाल के FATC मॉड्यूल सर्च कर सकते हैं। ये 13 नंबर कोड एम्बिएंट सेंसर होता है, जो बाहर के वातावरण को चेक करता है, क्योंकि ये अपने ऑटोमेटिकली एसी होते हैं ना, तो ऑटो पे चलते हैं तो अपने ऑटोमेटिकली एसी होते हैं बाहर के वातावरण पे, अगर क्योंकि इसका सेंसर के तार कट गए हैं और सेंसर इसका बेकार हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी ना, सेंसर हो गया बेकार, इसलिए ये अपना ये देख रहे हैं आप टेम्परेचर का, ये व्हीलिंग कर रहा है। और व्हीलिंग करने से क्या होता है, इसको पता नहीं चल पाता है कि गाड़ी कौन से टेम्परेचर पे है, कितने पे है, कितना बाहर का तापमान कितना नहीं है, तो उसी के हिसाब से वो कट करना भूल जाता है। अब इसका ये देखिए, हमारा एसी चलते चलते कट मार गया है, ये देखिए 17.3, अभी 8 पॉइंट कुछ था, अब ये कट मार गया एसी हमारा, क्योंकि ये सेंसर की वजह से एसी हमारा ये कट मार रहा है। ये आप देख सकते हैं एम्बिएंट सेंसर, और इसका कोड भी FATC के मॉड्यूल में जनरेट हो जाता है, क्योंकि आप इससे यहीं से इसका कोड चेक कर सकते हैं, बाकी आप इसके अंदर से चेक कर सकते हैं, सिर्फ चेक कर सकते हैं। अब हम इसको सेंसर की लोकेशन दिखाते हैं, हम आपको एम्बिएंट सेंसर की लोकेशन। फ्रेंड्स, ये है हमारे एम्बिएंट सेंसर के तार, और ये लगा दिया है हमने नया वाला एम्बिएंट सेंसर। इसमें सेंसर मिसिंग था, एक्सीडेंटल में हो गया था मिसिंग, अभी नया वाला लगाते हैं। इसके लिए हमने दो पिने ले लिए, दो पिने लगाते हैं इसके अंदर, एम्बिएंट सेंसर के हमने पिने लगा दिए, और अब देखते हैं उसमें सेंसर में। इग्निशन को हम करते हैं ऑन, ये गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। ये देखिए 36 सेल्सियस अब आने का, पहले ये व्हीलिंग कर रहा था यहाँ पे, ये अभी 36 सेल्सियस आने लगा, और अपना एसी अब ये परफेक्ट काम करेगा। किसी किसी गाड़ी में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि एम्बिएंट सेंसर अगर खराब हो तो एसी ऑन ही नहीं होता, और किसी में ऐसा होता है कि एसी अपना कट मारता है अपना। अब इसका FATC मॉड्यूल में कोड चेक करते हैं। हमने जब उस बार देखा था तो इसमें 13 नंबर का कोड आ रहा था, अभी ऑफ वाला बटन दबाना है आपको, और ये अपने जो पैरों पे ऊपर नीचे हवा करने का, इसको दबाना है ऑफ वाला दबा के, और उसको 2-3 बार सिंपली कर देना प्रेस। अब ये देखिए नो फॉल्ट कोड, पहले इसमें 13 नंबर कोड आ रहा था, अब इसमें कोई सेंसर का इशू नहीं है, अपना एसी ऑन हो जाएगा, ये ऑफ वाला बटन दबा के दोबारा चालू हो जाएगा अपना। और हमारा ये सेल्सियस में भी दिखाने लगा, पहले ये ब्लिंक कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि इसका तार मिसिंग हो गया था अपना, क्योंकि जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी तो तार कट गए थे, इस कारण अपना ये एसी ट्रिप मार रहा था। और किसी किसी गाड़ी में ऐसा होता है कि अपना एसी ऑन ही नहीं होता। एक वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।